तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आहूजा की तरफ से ऑनलाइन ड्राइवर यूनिट जिसका उपयोग लाउड स्पीकर एंड एम्पलीफायर में किया जाता है, तो फ्रेंड्स उसे किससे कैसे रिपेयर करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स आप वीडियो तो पूरी देखते हैं एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो भी नट है फ्रेंड्स वो खोल लेने हैं। और अगर आपका ड्राइवर यूनिट पुराना है तो फ्रेंड्स उसे आप पेट्रोल की सहायता से खोल सकते हैं, नहीं खुल रहा है तो। बाकी ये नया यूनिट है तो इस कारण से इसके पेच अच्छी तरीके से खुल रहे हैं। और देखिए, इसको सबसे पहले इस तरीके से खोल के इसका जो डायफ्राम फेंस उसे बाहर निकाल लिया हूँ मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, मैग्नेट देखिए, इसमें मेटल का जो मैग्नेट लगा हुआ है फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसे सबसे पहले आपको कॉइल को चेक करना है, कहीं से वायर निकला तो नहीं है या फ्रेंड्स इसके पॉइंट कहीं से निकले तो नहीं है। बाकी इसका जो फ्रेंड्स इसकी जो कॉइल है फ्रेंड्स वो जल गई थी, इस कारण से इसे रिपेयर करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके दोनों कनेक्शनों को निकाल लेता हूँ सोल्डरिंग आयरन की मदद से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, इसी बात पे देखिए ये डायफ्राम निकल चुका है, और सबसे पहले देखिए इसके दो पॉइंट दिख रहे होंगे L1 एंड L2। तो सबसे पहले आपको एक नया डायफ्राम ले रहा हूँ मैं, तो फ्रेंड्स इसे आपको देखिए इस तरीके से आपको डायफ्राम मिलेगा मार्केट में, सस्ता मिल जाता है फ्रेंड्स, 50-60 रुपये में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो पट्टी है फ्रेंड्स उसे ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि इस ना लगाएंगे तो आपका जो डायफ्राम के वायर है फ्रेंड्स वो बॉडी से टच होकर शॉर्ट सर्किट पैदा करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे लगा लेना, और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इसे चिपका के ले आता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने चिपका लिया है इसे, उसके बाद क्या करना है आपको L1 एंड L2 के पॉइंट को देखना है। उसके बाद आपको इस पर सोल्डरिंग कर लेनी है। अगर आपको L2 एंड L1 के पॉइंट नहीं पता है तो सबसे पहले मैग्नेट के ऊपर इस कॉइल को रखना है, और उस पर 5 वोल्ट की कोई भी सप्लाई देनी है। अगर जो भी इसका जो डायफ्राम है फ्रेंड्स ऊपर आता है तो आपकी जो भी टर्मिनल है फ्रेंड्स प्लस वाला वो फ्रेंड्स इसका L1 होगा, और जो माइनस में रखे हैं फ्रेंड्स प्रोब या फिर वायर वो L2 होगा। इस तरह से आप इसके L1 एंड L2 के पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मैंने सोल्डरिंग कर लिया। अच्छी तरीके से आपको सोल्डरिंग कर लेना है, आपको हिला डुला कर देख लेना है, कहीं से ज़्यादा हिल तो नहीं रहा है, ज़्यादा हिलना भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और कुछ इस तरीके से इसके देखिए, कुछ इस तरीके से आपको डाल लेना है। अगर आपकी पैकिंग नहीं रहती है तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने प्लास्टिक का जो पैकिंग आती है फ्रेंड्स इसके साथ वो लगा लिया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ठोक कर देख लेना है, एंड इसके जो भी स्क्रू है फ्रेंड्स उसे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको लगा लेना है, और सभी पेचों को थोड़ा थोड़ा टाइट करते हुए जाना है, जिससे जो डायफ्राम की फिटिंग है फ्रेंड्स वो अच्छी तरीके से बैठ पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाना है सारे नटों पे। देखिए, मैंने सारे नटों को बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ फ्रेंड्स इसके जो कनेक्शन है एंड बॉडी में कहीं टच तो नहीं है। देखिए मैं मल्टीमीटर को, तो फ्रेंड्स मैं मल्टीमीटर को बजर की रेंज में रख लिया हूँ, और वहाँ से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इसके दोनों पॉइंट पे चेक किया तो रीडिंग आ रही है, एंड बॉडी से टच किया तो रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो भी डायफ्राम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा है और शॉर्ट सर्किट नहीं पैदा कर रहा है।